पिक्चर में काम किए, आप लोग को याद होगा गीत नाम रहे थे जिसमें दिव्या भक्ति थी, इतना अच्छे गाने थे, याद भी होगा आप लोग को। उसके बाद दलाल पिक्चर आया था, दलाल का तो सबको मालूम ही है, गुटुर बहुत फेमस गाने थे। और बाकी तो उसका बंगाली फिल्म में गाने दिए हैं, वो भी सबसे बड़ी थे। बापिदा का एक सबसे बड़ी जो उनका गुण बोलिए या जो तो एक टैलेंटेड, बहुत ही टैलेंटेड है, वो बैठे बैठे ट्यून बनाते हैं यार, एक नहीं एक ही गाने का कम से कम 10 वैरायटीज बना के आपको सुना सकता है उसी समय। ऐसे नहीं जी भाई हमें 15 दिन टाइम दीजिए, 10 दिन टाइम दीजिए, मैं गाना खिलाता हूँ। बहुत ही टैलेंटेड आदमी है। हमारे ये जो फिल्म है, ये फिल्म में उन्होंने इतने खूबसूरत गाने, जो भी सब गाने अलग किस्म के हैं, अलग अलग लोगों की पसंद की गाने हैं, म्यूजिकल लव स्टोरी है, सैक्सोन भी एक है, अरमान मलिक का एक गाना है, बहुत खूबसूरत गाना है। बाकी का खुद एक पिक्चर है, इस पिक्चर में गाने गाए जो पार्टी सॉन्ग है, जो खुद भी अभी बताया उन्होंने, पार्टी दम धमाधम, वो भी कमाल की गाने हैं। और गणेश आचार्य जी वो कोरियोग्राफ किया, खुद उसमें वो पार्टिसिपेट भी किया, और गाने में आप लोग देखेंगे ट्रेलर में। ये छोड़ के एक बहुत ही अच्छा कवाली टाइप का मुस्लिम ये था, अल्लाह अल्लाह तू ही तू तू ही तू, बहुत सुंदर गाने, वो भी आप सुनेंगे। इस तरह सभी जगह पे बहुत सुंदर है, इस फिल्म को साथ हर चीज में जुड़े हुए हैं, मतलब ये नहीं ये कहानी को साथ वो कनेक्टेड नहीं है, सब कुछ कहानी को साथ ही कनेक्टेड है। जो भी इस फिल्म के लिए हम ये बोल सकते हैं ये बहुत बड़े स्टार कास्ट इसमें नहीं है, पर जो भी है सब लोग अपने अपने जगह पे बहुत अच्छे काम किया है। और हमारे हीरो जिसका पहले भी उन्होंने फिल्म किया, पर ये फिल्म में उसको बहुत ही कमाल की उन्होंने गुरुकुदत किए। हीरोइन मदार शर्मा बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत फिल्में आए भी हैं उसका, तो ज़्यादा साउथ का हुआ है, यहाँ पर 2-3 फिल्म आए, वो भी बहुत अच्छे हैं। ये छोड़ के अविनाश वर्धमान, हेमंत पांडे, दीपू श्रीवास्तव, यशवंत खान, और भी ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छे काम किए। टोटलिटी में मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ये फिल्म सब लोग बैठ के देखने के लिए इंटरेस्टिंग एक फिल्म है, जो म्यूजिकल भी है, फैमिली ड्रामा भी है, और कुछ थोड़ा सस्पेंस भी है, छोटे छोटे टुकड़े में सस्पेंस फिल्म नहीं है, पर एक इंटरेस्ट क्रिएट रखने के लिए उसको आगे बढ़ाया। मंजू जी, इससे पहले कि मैं आप सवाल पूछूं, मुझे बताइए हाउ आर यू फीलिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म वेलकम टू एवरीवन, और मैं बहुत बहुत दिल से सबको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप सबने इतना प्रीशियस मोमेंट हमारे साथ शेयर किया और अपना वैल्यूएबल टाइम हम लोगों को दिया। मैं यहाँ आई एंटायर टीम लोकल प्यार की एंटायर टीम को दिल से थैंक्स बोलूंगी कि सबने ड्यूरिंग द फिल्म मेरी सपोर्ट की। और माई heartiest thanks to Parthoda. He's the strongest pillar because he's the captain of ship. और उन्होंने मेरी हर feelings को समझा, और जैसे जैसे film progress हुई so मेरे बहुत सारे inputs दादा ने रखे, जैसे कि मुझे बहुत डर लगता था because he's a legendary director, और मुझे industry में सब लोग बोलते थे कि इतने बड़े director हैं आप उनके साथ कैसे काम करोगी, बट मुझे दादा ने कभी ऐसा फीलिंग ही नहीं कराया कि मैं न्यू हूँ उनके लिए। उन्होंने हर एक चीज़ मेरी शेयर की, जो भी मेरे इनपुट्स थे, जो भी मैंने अपने तरफ से दादा को शेयर किए, दादा ने वो उसकी वैल्यू रखी, और आज फिल्म कंप्लीट हुई है। सो दिस क्रेडिट गोज टू पार्थोदा। और जो सेकेंड मेरे बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टिव हैं पप्पी दा हमेशा मुझे एनर्जी देते हैं, और हर एक जहाँ भी हम अटकते हैं दादा से बात करते हैं और दादा उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, और दादा ने बहुत ही वंडरफुल म्यूजिक फिल्म में दिया है। सो बहुत ही वेरिएशन है फिल्म में, अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो कॉन्सेप्ट भी बहुत स्ट्रांग है, और म्यूजिक की बात करूँ तो म्यूजिक भी बहुत स्ट्रांग है। उसके साथ साथ
I have a wonderful team with me. जैसे कि मैं बात करूँ दीपू जी की, he is such an amazing person जिन्होंने मुझे हर स्टेप पे सपोर्ट किया. और अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, जैसे कि आप जानते हैं कि एक फिल्म की जर्नी क्या होती है और उसके साथ साथ एक प्रोड्यूसर की जर्नी भी क्या होती है. सो डेफिनेटली बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के साथ हम यहाँ खड़े हुए हैं. बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए और वो अप्स एंड डाउन्स को अप ले जाने का काम किया है मेरे बहुत ही डियरेस्ट फ्रेंड मिस्टर एस के अग्रवाल जी. सो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी दिल से. और बस मैं यही चाहूँगी कि ऐसे ही मुझे मेरे कैरियर में सपोर्ट मिलती रहे. जैसे बीच में भी आप सबने देखा होगा कि फिल्म का पोस्टर लॉन्च किया था हम लोगों ने और लॉन्चिंग पे फराह खान जी आई थी. सो इस तरीके से हर एक पर्सन मुझे सपोर्ट कर रहा है अभी तक और ये जर्नी कंप्लीट हो रही है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि ये फिल्म की रिलीजिंग बहुत अच्छी हो. और मेरे एक और फ्रेंड यहाँ हैं अजय जी, जिनकी मेरे मुझे हमेशा से सपोर्ट मिली है और ये सपोर्ट मुझे डेफिनेटली मेरे टारगेट तक ले जाएगी. ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है. सो रियली थैंक यू सो मच टू एवरीवन. थैंक यू सो मच. क्या बात है. नहीं मैं और भी लेडी प्रोड्यूसर से काम किया हूँ. जी जी जी. मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि मैं बहुत एडजस्टेबल हूँ. मैं मतलब वो ईगो में खराब नहीं रहता. अच्छा. मैं कोई भी प्रॉब्लम हो मैं ऑडियंस प्रोड्यूसर को बोलता हूँ जो मुझे शेयर करिए तो मैं हो सकता कोई रास्ता आपको निकाल के दूँ. तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ गई. इतना लगभग हंसते रहते हैं. इन्हें देखकर ही ना सबको प्यार हो जाएगा. मुझे तो प्यार हो गया था पहली झलक में और मैं बहुत खुश हो गई थी कि वहां पर मेरे मोबाइल फोन नहीं थे मेरे पास, लेकिन सिर्फ इनका नंबर लेने के लिए मैं अपने मोबाइल फोन ले आई. तो इन्हें तो सब सबको आपके साथ प्यार हो जाएगा डेफिनेटली. मैम आपके लिए एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि जो हमारे द वन एंड ओनली द किंग ऑफ बॉलीवुड किंग खान है, जिन्हें हम कहते हैं ही सिनोनिमस विद the king of romance, it has to be only one, the very dashing and the most handsome in the world, Shahrukh Khan ji. So I'm going to ask you ma'am ki unke films mein teen cheeze bahut important hain. First is ki unki films bahut colorful hoti hain. Second is unki films bahut melodious hoti hain, bahut hi beautiful sa musical hota hai. And the third and the most important is that unki films mein bahut sara romance hota hai. और आपकी फिल्म में ये सारी चीजें हैं एंड आपकी रिलीज डेट ऑफ द फिल्म आल्सो हैपेंस टू बी ऑन हिज बर्थडे, दैट्स द 2nd of November. तो ये इंटेंशनल है, इसमें कुछ राज है कि बस इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस की हो गई. डेफिनेटली वी आर डेडिकेटेड दिस फिल्म टू एसआरजी जी. ही इज अ रोमांटिक हीरो, ही इज अ किंग ऑफ रोमांस और हमारी फिल्म भी रोमांटिक है. सो डेफिनेटली वी आर डेडिकेटिंग टू एसआरजी जी. ये फिल्म उनके बर्थडे पे रिलीज हो रही है और हमने बहुत प्लानिंग के साथ ये डेट चूज की कि रोमांटिक फिल्म है, फैमिली एंटरटेनर है. सो सबको एक एनर्जी दे, प्यार दे, उस तो वो डेट से अच्छी डेट हमारे पास कुछ थी ही नहीं. सो लेट्स अ जेंटलमैन बी ग्रेट बीइंग नेक्स्ट टू यू. लेट मी स्ट्राइक अ पोज विद यू फर्स्ट. थैंक यू. हाउ आर यू फीलिंग? और मुझे बताइए how's the experience yeah working with a lady producer and such a great role that you have, itna handsome role. Aur anjali ke bare mein bhi kuch batao. Anjali ke bare mein baat kar lete hain. Anjali bahut achhi hai. Oh really? Sir achhi. Bahut achhi. I thought it awesome and aaj din bhi bada acha hai. So tell us how was your experience of the film? Film पार्थोदात की फिल्म है तो एक्सपीरियंस तो मुझे लगता है कि सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, पर रियली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला काम करने का. और मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहूँगा कि दादा का जो काम करने का जो और कराने का जो तरीका है वो मुझे बहुत बहुत पसंद आया. मैंने तो कोशिश मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, पर दादा हर पल हर घाव जो है एक हर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जो पिक्चराइज करवा रहे थे और जो गाइड कर रहे थे वो अंदाज मुझे बहुत पसंद आया हमारे पार्थोदार डायरेक्टर साहब का. मुझे बताइए यू आर प्लेइंग द किरदार ऑफ अमर. अमर सो हाउ क्लोज टू द कैरेक्टर? बहुत आप इतने रोमांटिक भी हैं सच लाइफ में, स्पेशली आजकल के जमाने में
जब लोग कहते हैं यार प्यार इश्क मोहब्बत फिल्मों में ही होता है, रियलिटी में नहीं होता. एग्जैक्टली. इतनी देर से जो है रोमांस की बातें हो रही हैं, मैं सुन रहा था एक्चुअली कि अपने किंग साहब का भी बर्थडे है 2 तारीख को और फिल्म भी जो है हमारी रोमांटिक फिल्म है. सच बात बताऊं तो शूट पे जिस तरीके से दादा ने जो पिक्चराइज किया है एक दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, मैंने तो बहुत आनंद लिया. और मैं दादा को थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि दादा ने इतनी अच्छी फिल्म बनाई. अभी कुछ समय पहले दादा ने एक टेक्निकल इशू दिखाया था तो मुझे बहुत पसंद आई पिक्चर. और हमारे हर फिल्म में जो कलाकार हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से भूमिका निभाई और म्यूजिक तो है ही बहुत अच्छा. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खुशामदीद. इस फिल्म को ब्लेस कीजिएगा क्योंकि दिस इज मेड बाय अ लेजेंडरी लेजेंडरी पार्थोदा. गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू पार्थोदा. पार्थोदा प्लीज कम. आज बहुत हैंडसम. ही इज अ वंडर. एक तालियों में कोताही कंजूसी तो चाहिए. क्या है कि पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि खुदा इस महफिल को महफूज रखे, खुदा इस महफिल को महफूज रखे. ये बच्चों की तरह हस्ती बहुत है. मैं एक लम्हे में सदियां देखता हूं, तुम्हारे साथ एक लम्हा बहुत है. इस फिल्म में कुछ खास बात है. सबसे पहले तो ये है कि जो हमारी फिल्म के हीरो हैं मुकेश भारती और इनके मल्टीपल काम थे शूटिंग में. इधर गिटार बजाते थे और दिमाग उनका चलता था प्रोडक्शन में. खाना मिला कि नहीं मिला, ये हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ. ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन. एंड सेकेंड जो खास बात ये है कि हमारी जो प्रोड्यूसर वो बहुत खूबसूरत है. जरा जोरदार ताली दीजिए. सबसे बड़ी बात यह है कि शी सैक्रिफाइस्ड. शी इज हीरोइन मटेरियल. इन्होंने अपने साहब के लिए, मुकेश जी के लिए अपने आप को 2 कदम पीछे किया. और ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि इन्होंने मुकेश जी को आगे किया और पूरी तरह से सारे यूनिट का ख्याल किया. तारीफ तो बनती है. कितनी खूबसूरत है यार ताली पकड़ना. ऐसा बात है, इतने अच्छे और खूबसूरत जो हमारे प्रोड्यूसर हैं बहुत कम होते हैं. और इस फिल्म की बहुत कमाल है, स्मॉल फैमिली. इट्स अ स्मॉल ब्यूटीफुल फैमिली. उसमें जो लेजेंडरी हमारे डायरेक्टर साहब हैं इनका नाम ही काफी है. जब भी किसी चीज पे हाथ रखते हैं उस पर बरकत पड़ जाती है. हमारे दादा पार्थोदा, इनका अगर पास्ट कुरेदा जाए तो सिर्फ सुपरहिट फिल्में ही हैं. और आज का जो मैं देखा इट वाज अ फैंटास्टिक. भगवान करे फिल्म में बरकत पड़े और ये फिल्म अच्छी जाए ताकि मंजू जी आगे भी जाके अच्छी फिल्में बनाए. और बरकत पड़े हमारे दादा के लिए और बरकत पड़े हमारे मुकेश जी के लिए.
तालियों से दिल से तालियों से स्वागत कीजिए इस छोटे से यूनिट का। और एक बात और कहना चाहता, मेरी दो दिन की डेट ली गई थी इस कव्वाली के लिए। हालात कुछ ऐसे हो गए जिनको बताना जरूरी नहीं है। ऐसे कुछ बुकिंग का था वो जहां पे हम शूट कर रहे थे, राइट दादा, इजाजत है, जहां पे हम शूट कर रहे थे उन्होंने कुछ समय का कुछ लोचा आया। दो दिन का काम 3 घंटे में किया गया। 1 घंटा दादा ने मेरे बगैर शॉट्स दिए और मुझे कहा गया कि 1.5 से 2.5 घंटे हमारे पास है, इसके बाद मंजूरी नहीं है हमारे पास जहां शूट कर रहे हैं। हमने ये सारी कवाली जो है 2 घंटे में किया एंड हैट्स ऑफ टू माय डायरेक्टर। और इतनी खुशी हुई, आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे जरा सा भी वो नहीं है कि जल्दी है या ये है मैं भूल रहा हूं। ये जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो अल्लाह मियां वापस आते हैं, आके बरकत डालते हैं। भगवान करे, अल्लाह करे, इस फिल्म पे बरकत पड़े और ये फिल्म बहुत अच्छी जाए ताकि इनको और भी अच्छी फिल्में बनाने के लिए ऊपर वाला आशीर्वाद दे। थैंक यू वेरी मच। एंड यस, नॉट द लीस्ट, हमारी होस्टेस बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। ताली तो बनती क्या? उस तरफ से भी तालियां बनती। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा। जब वो लोग फन कर रहे थे तो उनके साथ साथ मैं भी हंस रही थी, मुझे लग रहा था कि वहां पे मैं भी हूँ। नेक्स्ट कास्टिंग आ गई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा अरुण सर आए तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए देखकर, उनकी बातें सुनकर, उनके ब्लेसिंग को सुन के बहुत अच्छा लगा। और पार्थ भाई के बारे में सब जानते ही हैं, हीरो भी बहुत अच्छे हैं, हीरोइन भी बहुत अच्छे हैं। हालांकि हीरोइन जहाँ से बिलोंग करती है बगाल से, वो भी मैं भी वहीं से हूँ, तो बहुत प्राउड फील हो रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड वी मस्ट से वी आर वेरी ऑनर्ड बाय यू। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। एंड आई एम श्योर बिकॉज यू नो मैम मुझे कब से कह रही है कि उन्हें बुलाना है। शी इज वेरी वेरी हैप्पी। मैम आपको शब्द कहना चाहेंगे इनसे, वी जस्ट वांटेड हर टू बी विद अस हियर ऑन स्टेज। दो शब्द ही, मैं बस एक ही शब्द कहना चाहूंगी, वो है थैंक यू। क्योंकि इतना प्रीशियस मोमेंट, इतना हमारे लिए एक ग्लैड मोमेंट है और उसमें आप शरीक हुए हैं, सो उसके लिए मैं तहे दिल से थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम।